हैज बिकम स्ट्रांग, मजबूत है, इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसका रेजिस्टेंस किया, इसको फेस किया कि मैं चैलेंज को फेस करूंगा और कुछ नहीं बिगड़ेगा मुझे, ये जो विल पावर है ये इनको मजबूत बना, इनको मजबूत बनाती है बिल्कुल, और ये दूसरे लोगों को भी हौसला देती है, अगर कोई और HIV पॉजिटिव है तो उसको भी हौसला देती है कि ठीक होना है तो ठीक होया जा सकता है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, और बिल्कुल ये तो एक बीमारी है ना बाकी बीमारियों की तरह, इसको उस तरह से लेना भी क्यों। वैसे भी बहुत सारे वैक्सीन आने लग रहे हैं, ट्रायल चल रही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स के ऊपर भी रिसर्च चल रही है, कुछ नई मेडिसिन भी आई हैं जो काफी सक्सेसफुल हैं, अभी लेटेस्ट मेडिसिन आई है जो कि काफी बड़ा ब्रेक थ्रू मान रहे हैं उसको, और जितनी पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग होती है उतने ही नई मेडिसिन के, नई टेक्निक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। यू नेवर नो, अगर किसी के आपने 5 साल मेडिसिन के साथ एज बढ़ा दी, 5 साल में कोई नई चीज भी आ सकती है उसके लिए। अच्छा एक बात बताइए, उसमें कहा जाता है कि अगर ये वायरस एक बार हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद जितनी भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम करता जाता है, ये बात भी है, तो कौन कौन सी और बीमारियां हैं जो और ज्यादा हमारे अंदर आ जाती हैं? जो HIV का मतलब ही है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जी हाँ, इससे जो प्रतिरोध करने की जो ताकत वो घट जाती है, जी हाँ। इसके कारण जो हमारी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया बीमारी नहीं देते थे, जैसे जैसे क्षमता कम होती जाएगी बॉडी उनके अगेंस्ट नहीं लड़ पाएगी, और जो छोटी छोटी चीजें थी वो भी इन्फेक्शन देना शुरू कर देती है। लंबे जो टाइम तक जो HIV होती है उसके अंदर सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की है। टीबी बहुत कॉमन है, फंगल इन्फेक्शन है, टीबी विच इज पर्मानेंट यू आर सेइंग ना? नो नो, टीबी You're just saying chest की टीबी। No, no. I'm saying कि आप कह रहे हैं permanent टीबी। Pulmonary। Pulmonary। Okay, I'm sorry. Okay। फेफड़ों की टीबी। जी हाँ। क्योंकि पहले जिसको वो दूर कर सकता था, जिस बीमारी को हमारे शरीर अपने आप, वो उसके अंदर गिर गया। उसके बाद जैसे फंगल इन्फेक्शन है, डायरिया बार बार होना है, बार बार गला खराब है, बार बार खांसी है, जी इस टाइप के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं वो जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं, और बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये लक्षण है, जी एक तो पॉजिटिव है लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है, वो एड्स की तरफ जब प्रोग्रेस करेगा तब उसका वेट 10% से ज्यादा लूज कर जाएगा, बार बार डायरिया हो रहा है, बार बार खांसी हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, गले के छाले पड़ रहे हैं, अगर ये बार बार इन्फेक्शन होने लगे, वेट लूज कर रहा है, देन वी शुड लुक फॉर कि HIV पॉजिटिव है या नहीं, एक मतलब डाउट आ जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि जो मौत होती है HIV पॉजिटिव पेशेंट्स की वो बड़ी दर्दनाक होती है। नहीं देखो, वो तो डेथ तो हर एक की एक जैसी ही है, यू नेवर नो, कई आदमी है जो उसके अंदर भी हार्ट अटैक से डेथ होती है, किसी की पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ है, HIV या एड्स से एज सच डेथ बहुत कम है, ज्यादातर डेथ जो है वो अदर जो इन्फेक्शन के कारण ज्यादा होती है, जो इसके कारण इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके कारण से डेथ हो जाती है। जी जी प्रोफेसर, आपके पास आती हूँ। देखिए हमने अब तक बात कर ली है कि रीजंस की भी, और इनसे भी जब हमने जाना तो इन्होंने खुद बोला कि मनोबल कितना ज्यादा जरूरी है, तो आपको क्या लगता है इसी चीज में, साइकोलॉजी की विंग से आप हैं तो अगर हम उसी की बात करें, देखिए मनोबल तो हर चीज के लिए जरूरी है, अगर आप कोई भी बीमार हैं, अगर आप ठीक होना ही नहीं चाहेंगे तो कहते हैं आप ठीक हो ही नहीं सकते, सबसे पहले ही जरूरत है कि आप ये चाहें कि हम ठीक हो जाएं, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं इस चीज में? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पहली बात थी कि साहब इलाज की, आपने कहा कि सर ला इलाज है, जब हमें ये मालूम है कि इसका कोई ऐसा मेडिसिन नहीं दिया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी बात आती है बात इसके प्रिवेंशन की और मैनेजमेंट की, यही बात चलेगी। अब उसमें क्या होगा कि जैसे अभी विजेंद्र जी बता रहे थे कि साहब जब परिवार साथ है तो आदमी मजबूत रहता है, तो चीज ये आती है कि सोशल सपोर्ट एक हमारा मजबूत है, जिस व्यक्ति के पास ये है, ये तो वैसे भी हेल्थ के में हम जनरल हेल्थ की बात करें, दूसरे आदमियों की जो दूसरे हैं सर्जरी जाते हैं, सर्जरी से रिकवरी होती है, तो अब जैसे ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, एक पैसिमिस्टिक है, तो ऑप्टिमिज्म होगा वो बेटर साइड में ले जाएगा, पैसिमिस्टिक है। हीन दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आजकल भी बहुत से लोग हैं कि जब एकदम से बिहेवियर ठीक होगा लेकिन एक बार पता चल जाए कि हाँ he is HIV positive और she is HIV positive, बिहेवियर चेंज हो जाता है, जमीन आसमान के अंदर आ जाता है। ये एक्चुअली क्या है कि ये स्टिग्मा इसीलिए तो जुड़ा हुआ है इसके साथ।
अब मानसिक समस्या है किसी को, वहाँ भी यही आता है कि साहब ये तो इसको कहेंगे कि साहब पागल हो गया, वहीं भी स्टिग्मा अटैच क्या डॉक्टर साहब, इसका एक कारण ये नहीं है कि एड्स के बाकी रीजन जरूर हैं, आपने जैसे बताया 12-15% कुछ और रीजन हैं, लेकिन एक उसको हीन भावना से शायद इसलिए भी देखा जाता है कि एक माइंडसेट लोगों ने बना लिया है कि अनसेफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन हुआ है उस कारण से ही हुआ है, तो इसलिए उस व्यक्ति को भी उसी दृष्टि से क्यों देखा जाता है? लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि जो अनसेफ सेक्स है या एक्स्ट्रा मैरिटल प्री मैरिटल या इस टाइप के जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, बेसिकली एक बिहेवियर की डेविएशंस है। एक आदमी में ये डेविएशन है तो वो अपने अंदर देखे कि उनके अंदर कितनी डेविएशंस और हैं। जी हाँ जी हाँ। तो एक डेविएशन के कारण एक को बीमारी मिल गई है, लेकिन दूसरे को बीमारी नहीं, वो कुछ और किसी तरीके से डेविएट होके अपनी जिंदगी को जी रहा है वो। हाँ, जी रहा है। तो वो अपने को भूल जाते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं। दूसरा, लोगों को ज्यादातर पता भी नहीं लगता, या वो ये कहते हैं कि किताबी बातें हैं, ऐसा करने से होता है। हमारे पास दो वर्कर्स थे जो पॉजिटिव हैं, ये हमारे लिए पानी चाय ईटेबल्स कई बार हम इन्हीं के हाथ से ही लेते हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के सामने ही। किचन कई बार हम किचन में इनके साथ बैठ के ही डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब अटेंडेंट्स ये देखेंगे कि हम ऐसे कर रहे हैं तो उनको भी लगता है कि जो ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो हमें क्या है, हम भी कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर जब खुद ही काम कर रहा है तो मतलब डॉक्टर तो अपने से ज्यादा ख्याल थोड़ा किसी का रखेगा। बिल्कुल सही कहा। नहीं, मैं कुछ ऐड करूं, अब पहले हम जहाँ से शुरू हुए थे कि अवेयरनेस है इस वक्त, मैं जरा सा इससे भी थोड़ा सा बहुत सहमत नहीं हूँ। हाँ। अभी भी हमारी बहुत सारे सेगमेंट है पॉपुलेशन का, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता इस बारे में, अवेयर नहीं है। दूसरा, ये ना तो स्प्रेड के रीजन का पता। एक रीजन ये भी है इस चीज का कि टीवी पर भी कुछ एड्स के बारे में एड आएगी, घर पे बैठे चार बच्चों के साथ अगर माँ बाप देख रहे हैं चैनल बदल देंगे। एड्स को एक वही बात है ना कि एड्स को एक मेंटल सेटअप के साथ ना उन्होंने ये एक्सेप्ट कर दिया है कि एड्स सिर्फ अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से ही होता है, गलत कामों से ही फैलता है, इस तरह से आम आदमी ऐसे की भाषा कि एक ये बीमारी बहुत ही गलत है और वो उस चीज के कारण नहीं है, वो ये चीजें समझते हैं उस कारण से वो देखते ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को जब तुम नहीं बताओगे तो आगे जाकर युवा भी तो वही बनने वाला है। अच्छा, ऐसे ही मैंने हम अनपढ़ आदमी को या अनअवेयर्ड को कहें, कई बार ऐसे अखबारों में लोग पढ़ते हैं कि साहब डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया उसका। हाँ। सर्जरी नहीं परफॉर्म की। अब ये जब इस तबके में भी चीज जाती है तो आम आदमी की क्या बिसात है, वो तो बेचारा डरेगा, उसको तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। जहाँ हम लोगों को इतनी अवेयरनेस है, हम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब हम इनके साथ ही खाते हैं, इनके हाथों से लेते हैं, जब कोई आदमी इनको ऐसे करता देखेगा तो उनका बिहेवियर भी तुरंत बदलेगा, तुरंत नहीं बदलेगा तो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ग्रेजुअली तो चेंजेस आएंगे ही। बड़ी बात है कि हम ये चीज लोगों के जहन में बैठाएं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं है, दूसरे रीजन भी होते हैं, और इसमें जब हो गया तो भी ऐसा नहीं कि मर गए अब, ऐसा नहीं है। ये हमारे सामने उदाहरण है और हम इसको सपोर्ट दें, उसको अकेला ना छोड़ें, और उस व्यक्ति की विल पावर जैसे मजबूत होगी तो वो आगे चलेगा, तो लॉन्गेविटी बढ़ेगी। ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मैं जीऊंगा, मैं फाइट करूंगा इसके साथ, ये स्पिरिट आएगी, लंबा चलेगा। साथ में सोशल सपोर्ट भी रहे, साथ में दूसरी चीजें हैं, टाइम पे दवा भी ले, इलाज भी कराए, ये सब चीजें यदि करें तो काफी लंबा चल सकता है, और तब तक हो सकता है कोई इलाज भी आ जाए। एक जीवंत उदाहरण हमारे साथ बैठे हैं कि लंबा चल रहा है बिल्कुल। आपको अच्छा, आपको एड्स के बाद आपके शरीर में और कौन सी बीमारियां और ज्यादा हुई? मेरा बार बार बुखार आने लग गया था, उसके बाद फिर मैंने टेस्ट वगैरह कराए तो नॉर्मली मैं ठीक हो गया था, तो 8-10 साल तक तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 8-10 साल तक आपने कोई दवाई नहीं ली? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई 10-11 साल तक। अब फिर बाद में मैं मेंटली रूप से भी और वैसे ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। फिर मैं यहाँ पे HIV एड्स केयर सेंटर में आया, ART 26 नंबर से दवाई चालू करवाई, उसके बाद मेरा CD4 आपकी दवाइयाँ? हाँ, दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त है। उसके बाद धीरे धीरे मेरा CD4 बढ़ने लगा और मैं बिल्कुल 1-1.5 महीने में वही पुराना वेट पर आ गया और बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इसको अगर मेंटली रूप से देखा जाए ना तो ये मेंटली बीमारी है, इसको ये मत मान के चलो कि भाई इससे हुआ है उससे हुआ है, ना उससे नफरत करो, उसके साथ खाने से पीने से साथ रहने से
लोगों का बर्ताव अगर ठीक रहता है तो वो खुद भी ठीक रहता है, लोगों में चेंजेज आती है, वो भी मेरे अंदर भी आई थी। मेंटली रूप से होता है भाई, संसार ने जब मेरे को यही बीमारी होगी तो उल्टे सीधे काम कर, ये कर वो कर, पर लेकिन कुछ नहीं है, मानव सेवा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और यही सोच के मैं यहाँ पे नौकरी भी करने लगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके कारण से आपको कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? आपके बच्चे हैं? नहीं, कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि जब मैं 22 साल की उम्र में था तब मेरे को पता चल गया था कि मैं पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैंने शादी नहीं की ताकि किसी दूसरे जीवन में बर्बाद ना करूं। क्या बात है, देखिए इसको कहते हैं कि ये आपका जज्बा है एक बहुत बड़ा, क्योंकि अगर आप शादी करते तो हो सकता है आपकी जो पार्टनर है उसके बाद जो बच्चे हैं तो उसमें भी ये डिजीज आती। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि आजकल बड़े सारे ऐसे प्रिवेंशन है कि जिससे एक जो HIV पॉजिटिव माँ है उसके बाद बच्चों में एड्स नहीं होता, क्या है वो? प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ERT दे सकते हैं, एंटीरोट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, उसके बाद जो डिलीवरी है उसको सिजेरियन से प्रेफर करते हैं, ठीक है, इट शुड बी डन बाय सिजेरियन। उसके बाद फीडिंग की जहाँ तक बात आती है उसके अंदर तीन मेथड्स हैं। सबसे सेफ है मदर का ब्रेस्ट का मिल्क एक्सट्रैक्ट करो, गर्म करो, बच्चे को पिला दो, ठीक है, लाइक बॉईल कर लो। हाँ, उससे क्या गर्मी के कारण वायरस मर जाता है, बच्चे को नेचुरल फीड मिलेगा और उसको कोई चांस नहीं है फैलने का। जो दो दूसरे मेथड में पिलाने के वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल का दूध। लेकिन डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से तो आपने कहा ना कि एड्स फैलने का, वो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है कि ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉटल। ब्रेस्ट फीडिंग अगर करनी है तो निपल्स के अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं आने देने चाहिए, हाइजीन मेंटेन, या बॉटल फीड, लेकिन ब्रेस्ट फीड एंड बॉटल फीड दे शुड नेवर बी मिक्स्ड। ओके, लेकिन बेस्ट इज मदर मिल्क एक्सट्रैक्ट करके बॉइल करके वही बच्चे को दे दे, जी दैट इज द बेस्ट वन, दैट इज द बेस्ट वे। अच्छा, तो आप बता रहे हैं ERT जो है, ये जो थेरेपी है इस पे क्या होता है? इससे वायरस की मल्टीप्लीकेशन को कम कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जो वायरस जितनी स्पीड से बढ़ता है उतना बढ़ता नहीं है। तो मतलब ये मेडिसिन के थ्रू होता है? या मेडिसिन देते हैं जिस जो वायरस को की मल्टीप्लीकेशन को स्लो कर देती है, काफी स्लो कर देती है, ठीक है, और जितने वायरस की मल्टीप्लीकेशन कम होगी, वायरस बॉडी में कम होगा, उतना ही वो दूसरे के अंदर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो HIV के बारे में है वो ये है कि जो विंडो पीरियड है, मतलब इन्फेक्शन जब आया और जब इसको पता लगा, जो पॉजिटिव टेस्ट आया, इसका बीच का पीरियड, दैट इज बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है वो, क्योंकि उसमें बढ़ता चला जाता है तो कोई दवाई नहीं मिल रही। सबसे ज्यादा वायरसेस हैं, जब पॉजिटिव शुरू होता है वहां ना, तब तक बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है, जिसके कारण वायरस की संख्या कम रहती है बॉडी के अंदर, वो कंट्रोल में रहते हैं।